नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं? आपको चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 6। 6 मेडिकल कॉलेज हैं हिमाचल प्रदेश में सरकारी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में जो है 6 मेडिकल सरकारी कॉलेज हैं और प्राइवेट कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो एक प्राइवेट कॉलेज है मेडिकल कॉलेज। टोटल कॉलेज कितने हैं मेडिकल? टोटल कॉलेज हैं 7 कॉलेज मेडिकल कॉलेज। और हिमाचल प्रदेश में एम्स जो कि एक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो भी खुल रही है। वो कहाँ पर बन रही है? वो भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के कोठीपुरा में बन रही है। तो ये याद रखिए, 6 मेडिकल कॉलेज हैं सरकारी और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी एम्स जो है वो बन रही है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोठीपुरा में। अच्छा, ये 6 मेडिकल कॉलेज जो है ये कहाँ कहाँ पर है? एक तो है शिमला में, दूसरा है कांगड़ा में, तीसरा है चंबा में, चौथा है हमीरपुर में, पांचवा है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में और छठा है मंडी में। तो याद रखिए 6 मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, और ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ये कहाँ पर है? ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू 2010-2011 एग्रीकल्चर सेंसस, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड होल्डर्स आर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। 2010 और 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत जोनते लघु व सीमांत किसानों की है? चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 87.95%। 87.95% जो है वो जोनते लघु और स्मॉल किसानों की है। याद रखिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की लैंड जो है वो कितनी है? वो है 87.95%। अच्छा, ये तो हो गया स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की। तो अगर सेमी और मीडियम फार्मर्स की बात की जाए तो सेमी और मीडियम फार्मर्स की जो लैंड होल्डिंग है वो है 11.71%। और अगर बात की जाए लार्ज फार्मर्स तो लार्ज फार्मर्स की जो लैंड होल्डिंग है वो है 0.34%। याद रखिए सेमी और मार्जिनल की कितनी है, सेमी मीडियम की कितनी है और लार्ज की कितनी लैंड होल्डिंग है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 87.95% जो है वो है स्मॉल एंड मार्जिनल, 11.71% जो है वो है सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स की और 0.34% जो है वो है लार्ज फार्मर्स की लैंड होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल एरिया अंडर टी इज, चाय उत्पादन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का कितना हेक्टेयर क्षेत्र है? चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 2310 हेक्टेयर। 2310 हेक्टेयर लैंड जो है हिमाचल प्रदेश की वो है टी कल्टीवेशन के अंडर। अच्छा, बात हुई है चाय की, तो आपको पता होना चाहिए कि कांगड़ा चाय जो है वो फेमस है, तो इसकी कल्टीवेशन जो थी वो कब शुरू हुई थी? तो कांगड़ा चाय का उत्पादन जो था 1850 ईस्वी में शुरू हो गया था। याद रखिए 1850 ईस्वी में ये शुरू हुआ था। अच्छा, और कांगड़ा चाय जो है कौन से नाम से बिकती है? तो कांगड़ा चाय जो है वो ग्रीन गोल्ड नाम से बिकती है। ये याद नाम याद रखिए, ग्रीन गोल्ड नाम से बिकती है कांगड़ा की चाय। और इसके अंडर जो है टोटल कल्टीवेटेड एरिया जो है वो है 2310 हेक्टेयर। इतना बेसिक सा आप याद रखिए टी कल्टीवेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर। राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? अगर चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है 9%। 9% जो है वो टोटल जीएसडीपी है हिमाचल प्रदेश की जो एग्रीकल्चर और उसके सहायक सेक्टरों से प्राप्त होती है। अच्छा, यहाँ से आप एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए कि 2018 और 2019 के लिए हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट कितनी आंकी गई है? 2018 और 2019 के लिए हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट जो है वो आंकी गई है 7.3%। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हनी प्रोसेसिंग यूनिट इन हिमाचल प्रदेश इज एट। हिमाचल प्रदेश में हनी प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंदौरा। इंदौरा में स्थित है हनी प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, इंदौरा कहाँ पर है? इंदौरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, वो था
हॉप पीलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में हॉप पीलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो स्थित है बद्दी में। ये भी आप याद रखिए कि हॉप पीलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बद्दी में स्थित है और हनी प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इंदौरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। तो ये दो बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंगुला इज द नेम ऑफ विच पास? किस दर्रे को सिंगुला के नाम से जाना जाता है? अगर चार ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन डी, झांस्कर पास। झांस्कर दर्रे को जो है वो सिंगुला के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बात हुई है झांस्कर पर्वत श्रृंखला की, तो झांस्कर पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। झांस्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो ग्रेटर हिमालयन और अल्पाइन जोन में पड़ती है। इतना बेसिक सा आप याद रखिए झांस्कर पर्वत श्रृंखला के बारे में, और सिंगुला नाम से जाना जाता है झांस्कर पर्वत श्रृंखला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दरकोटी ठकुराइन वाज फाउंडेड बाय, दरकोटी ठकुराइन की स्थापना किसने किया? क्वेश्चन चार ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दुर्गा चंद, ऑप्शन बी सही आंसर है। दुर्गा चंद ने की थी दरकोटी ठकुराइन की स्थापना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दरकोटी ठकुराइन के जो राजा थे वो कहाँ से आए थे? ठकुराइन के राजा दुर्गा चंद जो थे वो मारवाड़ जयपुर से आए थे हिमाचल प्रदेश में, और इन्होंने दरकोटी ठकुराइन की स्थापना की थी। प्रेजेंट टाइम में जो है दरकोटी ठकुराइन जो है वो कोटखाई तहसील शिमला में पड़ती है, और दरकोटी 1948 में महासू जिले में मिल गई थी। इतना बेसिक सा आप दरकोटी ठकुराइन के बारे में याद रखिए। अच्छा, इससे पहले भी हम कुछ इंपॉर्टेंट ठकुराइनें कर चुके हैं, उन ठकुराइनों की स्थापना किसने की थी बेसिक सा आपको बताना चाहिए। बलसन ठकुराइन की स्थापना की थी राजा अलक सिंह ने, भज्जी ठकुराइन की स्थापना की थी राजा चारू ने, कोठी ठकुराइन की स्थापना की थी राजा चंद्रा ने, और दरकोटी ठकुराइन आज हमने किया इसकी स्थापना राजा दुर्गा चंद ने की है। तो ये बेसिक सा ठकुराइनों के बारे में याद रखिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन हिमाचल प्रदेश असेंबली? हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? क्वेश्चन चार ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 17। 17 सीटें जो है हिमाचल प्रदेश में वो रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए। क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है? शेड्यूल कास्ट के लिए 17 है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी है? तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 सीटें जो है वो रिजर्व है। अच्छा, तीन सीटें कौन सी हैं? एक सीट है किन्नौर की, एक सीट है लाहौल स्पीति की, और एक सीट है डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर की। तो ये तीन सीटें भी आप याद रखिए जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वड है, और शेड्यूल कास्ट के लिए 17 सीटें रिजर्वड है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कितनी सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं? ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 3 सीटें जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वड हैं, और कौन कौन सी वो सीटें हैं? तो एक है इंदौरा, दूसरी है जयसिंहपुर, और तीसरी है बैजनाथ। तो ये तीनों सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वड हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मंडी की कितनी सीटें रिजर्वड हैं? तो डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो है वो 3 सीटें रिजर्वड हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है वो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की टोटल बैजनाथ सीटें हैं विधानसभा की 15, और डिस्ट्रिक्ट मंडी की हैं 10। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी की कौन कौन सी सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं? तो एक तो है करसोग, दूसरी है नाचन, और तीसरी है बलहा। तो इन तीनों सीटों के नाम आप याद रखिए, मैंने बेसिक सा आपको बताया है। तो ये बेसिक सा आप याद रखिए कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की कितनी है, डिस्ट्रिक्ट मंडी की कितनी है, और हिमाचल प्रदेश की शेड्यूल कास्ट की कितनी है, और शेड्यूल ट्राइब की कितनी है, और कौन कौन सी शेड्यूल ट्राइब की सीटें रिजर्व हैं हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में 100% श्योर पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो मेरिट को बनाते और बिगाड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली लाइज बिटवीन दी धौलाधार एंड पीर पंजाल? धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? क्वेश्चन चार ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़ा बंगाल वैली। बड़ा बंगाल वैली जो है वो स्थित है पीर पंजाल और धौलाधार रेंज के मध्य में। अच्छा, बात हुई है धौलाधार और पीर पंजाल रेंज की, तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। धौलाधार पर्वत श्रृंखला का जो है वो मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और ये मुख्यतः रूप से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। अच्छा, पीर पंजाल रेंज जो है वो मुख्यतः रूप से डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। तो इतना बेसिक सा आप धौलाधार और पीर पंजाल रेंज के बारे में याद रखिए। और बात हुई है बड़ा बंगाल की, तो बड़ा बंगाल के बारे में आप याद रखिए कि रावी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? रावी नदी निकलती है बड़ा बंगाल से, क्योंकि रावी नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। इसका ओरिजिन बड़ा बंगाल से होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर डज रिवर यमुना लीव्स हिमाचल प्रदेश एंड एंटर इन हरियाणा। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ती है और हरियाणा में ये प्रवेश कर जाती है। कुछ चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए ताजेवाला। ताजेवाला के समीप जो है यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है और कहाँ पर प्रवेश करती है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश कर जाती है। अच्छा, बात हुई है यमुना नदी की, यमुना नदी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। यमुना नदी का ओरिजिन जो होता है वो होता है यमुनोत्री से, जो कि गढ़वाल हिल्स उत्तराखंड में स्थित है। यमुना की सहायक नदियां हैं टोंस, पब्बर, गिरी, आंध्रा, बाटा, जलाल, अस्थनी, पत्सरी, मारकंडा, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। यमुना हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है खादर मांझरी नामक जगह पर और हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है ताजेवाला के समीप। यमुना हिमाचल प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट रिवर है और इसका संबंध जो है वो सूर्य देवता के साथ माना जाता है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की। याद रखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये हिमाचल प्रदेश को ताजेवाला के समीप छोड़ती है। टोंस रिवर जो है वो नेचुरल बाउंड्री बनाती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। टोंस रिवर यमुना को ज्वाइन करती है कलसी के समीप। बाटा रिवर का ओरिजिन जो है वो धराटी रेंज से होता है। इतना बेसिक सा आप याद रखिए यमुना नदी के बारे में, क्योंकि कई बार यमुना नदी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब इन शिमला फंक्शनड फ्रॉम अ बिल्डिंग नोन एज। पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो पहले शिमला में होता था, तो वो कौन सी बिल्डिंग से फंक्शन करता था। चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पीटरॉफ। पीटरॉफ से फंक्शन करता था पंजाब का हाई कोर्ट पहले, जो शिमला में होता था। अच्छा, अब बात हुई है पंजाब हाई कोर्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला की जितने भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उन सभी बिल्डिंग्स को एक बार रिवाइज करते हैं। रोथनी कैस्टल बिल्डिंग जो है वो बनी थी 1838 में और ए ओ ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग 1901-1904 में बनी थी और नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग 1882 में बनी थी और उस बिल्डिंग का नाम है कॉनी कॉटेज बिल्डिंग। राष्ट्रपति निवास जो है वो रिट्रीट में स्थित है, 1850 में ये बना था। प्रेजेंट टाइम में कमांडर हाउस आर्ट्रैक जो है वो रिट्रीट में स्थित है और ये वाला रिट्रीट जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है। वाइस रेगल लेजो जो है 1888 में बना था, ये ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है और 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंड ओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। पंजाब हाईकोर्ट जो था वो पहले शिमला के पीटरॉफ में फंक्शन करता था, 1955 में इसे चंडीगढ़ को ट्रांसफर किया गया। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी और इस बिल्डिंग का नाम है फेयर लॉन्स बिल्डिंग और बनाई गई थी आर डिक्सन के द्वारा। ओकओवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है। इंपेरियल बैंक डेलजल हाउस बिल्डिंग में स्थित था। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। ये वुडफील्ड बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेन्सवुड बिल्डिंग। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का जो रेजिडेंस है ऑफिशियल रेजिडेंस, उसका नाम है आर्म्सडेल बिल्डिंग। ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है और इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग क्लेरमोंट इसका नाम है और 1927-28 में बनी थी और ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला बिल्डिंग जो है उसका नाम है द टाउन हॉल बिल्डिंग। बार्न्स कोर्ट 1832 में बना था न्यू टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल में और उसे राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग का पूरा नाम था हेरिटेज हाउस और लो विले हाउस। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर डिफरेंट ऑफिस स्थित हैं, तो एसपी ऑफिस शिमला जो है वो इस बिल्डिंग में स्थित है। प्रेजेंट डे में जो सेक्रेटरेट है हिमाचल प्रदेश सरकार का, उस बिल्डिंग का नाम है एलर्जाइल बिल्डिंग। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुका है। यूएस क्लब शिमला जो है वो सर जर्मिया बैरियट का रेजिडेंस रह चुका है और गेटी थिएटर शिमला जो है 1887 में बना था और नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में गेटी थिएटर शिमला बना है। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट शिमला की बिल्डिंग्स के बारे में, क्योंकि बिल्डिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमालयन आर्ट रिटन बाय हिमालयन आर्ट किताब के लेखक कौन है। क्वेश्चन चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जे सी फ्रैंक। जे सी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है हिमालयन आर्ट बुक। अच्छा, अब बात हुई है किताबों की, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट किताबें अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी किताबों को एक बार रिवाइज करते हैं। तारीख़ रियासत सिरमौर किताब लिखी है रणजौर सिंह ने। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और बिलासपुर अ पीपल ऑफ बैटरेड किताब लिखी गई है आनंद चंद के द्वारा। कुलूत देश की कहानी किताब लिखी है लालचंद प्रार्थी के ने।
किन्नर प्रदेश, हिमालयन परिचय किताब लिखी है राहुल सांकृत त्यान ने, हिमालयन सर्किट किताब, हिमालयन आर्ट किताब लिखी है जेसी फ्रैंक ने, प्राचीन हिमाचल किताब लिखी है एलपी पांडे ने, अबॉर्ड ऑफ गॉड लाइफ किताब लिखी है एंड्रयू विल्सन ने, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट किताब लिखी है ई जे बक ने, हिमाचल प्रदेश परिचय और हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक किताब लिखी है देवराज शर्मा ने, ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख किताब लिखी है विग्ने ने, पोलियंड्री ऑफ हिमालयस किताब लिखी है वाई एस परमार ने, हिमालयस अबॉर्ड ऑफ लाइट लिखी है निकोलस रोरिक ने, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लिखी है मनमोहन सिंह ने और हिस्ट्री ऑफ मंडी लिखी है विक्रम कैस्त ने, मुख्तसर तारीख रियासत चंबा किताब गरीब खान के द्वारा लिखी गई है, कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड ने लिखी है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स जे हटिशन के द्वारा लिखी गई है, एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट लिखी गई है जे पी एच वोगल के द्वारा, हिमालयन सर्किट जे डी घोसला ने लिखी है, कुल्लू एंड लाहौल जे सी ब्रूसे के द्वारा लिखी गई है, हिमालयन पिलग्रिमेज बी एन दत्तार के द्वारा लिखी गई है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति लिखी है ए पी एफ हारकोट ने, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल लिखी है डब्ल्यू जी आर्कर ने और कांगड़ा वैली पेंटिंग्स कांगड़ा पेंटिंग्स लिखी है एम एस रंधावा ने। तो ये किताबें अभी तक हम कर चुके हैं, इन किताबों के और ना याद रखिए कि कौन सी किताब किसने लिखी है, क्योंकि किताबों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ जिला परिषद इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कितने जिला परिषद हैं, आपको चार ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।